आपके साथ। बायसी से गुजरने वाली कनकी नदी में जलस्तर का जायजा लेने के लिए बायसी अंचल पदाधिकारी पहुंचे, जलस्तर का जायजा लिया और आगे की तैयारी पुख्ता करने की बात कही, जबकि स्थानीय निवासी प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम उठाए जाने से मना कर रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जिला पदाधिकारी लगातार अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं और तैयारियां पूरी कर रहे हैं। समाहरणालय में लगातार बैठक भी हो रही है, यहां तक कि पदाधिकारी खुद से घाटों का जायजा ले रहे हैं। बायसी अंचल पदाधिकारी सबसे ज्यादा उफान वाली नदी कनकी पर पहुंचकर जल स्तर को देखा। एसडीएन न्यूज से बात करते हुए अंचल अधिकारी ने बताया कि कल के मुकाबले नदी का जलस्तर तकरीबन 1 से 1.5 फुट घटा है और प्रशासन की तरफ से तैयारियों को पुख्ता भी बताया। वहीं नदी तट पर बसे लोगों की माने तो प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, सिर्फ ऐसे ही अधिकारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं। मुसीबत का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। लोगों का गुस्सा भी इन बातों पर साफ नजर आ रहा था। कर्मचारी सीआई के साथ यहाँ पे आए थे मुआयना करने के लिए। कल की तुलना में यहाँ करीब 1.5 फीट नीचे पानी है। तो सर, ऐसे में अगर जलस्तर बढ़ता है तो उसकी तैयारियाँ हो चुकी है प्रशासन? हाँ, पूरी तैयारी है। प्रशासन इस पर लगातार नज़र रखे हुए है और प्रशासनिक स्तर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। ये हमारे यहाँ देखिए, बायसी अंचल में 2-3 प्लेस ऐसा है जो कि वल्नरेबल टाइप का है। जैसे हमारा तारावाड़ी का लोकेशन इस तरीके का है कि पानी आने के बाद टापू की तरह हो जाता है, लेकिन वहाँ भी अभी स्थिति ऐसा नहीं है कि वहाँ से घर से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए या फिर शरण स्थली बना करके उनको रखा जाए। दूसरा है मड़वा, लेकिन उनका टापू की तरह का नहीं है स्थिति, तो वहाँ भी ठीक है, अभी कहीं दिक्कत नहीं है। नज़र वहाँ भी परसों गए थे हम, और नहीं कैंप अभी नहीं, चूँकि बाढ़ की स्थिति ही नहीं है तो कैंप क्यों लगाया जाएगा। सभी लोग सुरक्षित हैं, अपने अपने घर में हैं। हम लोग का तैयारी बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब रहता है। कितने साल से आता है, पत्थर गिराएगा, आदमी का भलाई करेगा, कुछ नहीं करता है। इधर आता है, देख के चला जाता है। अभी जो सीओ साहब आए थे तो आप लोगों ने इस चीज़ की मांग रखी है उनसे? नहीं, सीओ साहब कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, खड़ा होकर चला गया। वहाँ जाके फोटो लिए आप, हम लोग भी वही देखे, खाली पानी कितना है, पानी कितना है, यही पूछा। उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं, वैसा वो आया है ना, उससे जैसा बड़ा बड़ा आदमी आएगा बस देख के चला जाएगा, बस इतना ही हम लोग सोचते हैं, आएगा और जाएगा। बाढ़ आने के बाद यहाँ की स्थिति कैसी रहती है? बाढ़ आने के बाद स्थिति भैया सही नहीं रहता है, इसलिए इधर तो खेती बाड़ी तो होता नहीं है। आप लोग क्या करते हैं ऐसे में जब पानी बढ़ जाता है तो? बस ब्रिज के ऊपर जाते हैं।